वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हो आप? आशा रखती हूँ कि आप सभी एकदम मस्त होंगे, बढ़िया होंगे और एकदम मजे में होंगे। हम भी एकदम मस्त और स्वस्थ है। तो सबसे पहले आप सभी को जय श्री कृष्ण और गुड मॉर्निंग। तो अभी यहाँ पे बज रहे हैं सुबह के 9:30 और अभी नवरात्रि जो है वो ख़त्म हो चुकी है और अभी आने वाली है दिवाली। तो दिवाली की तैयारियाँ जो है हमारे घर में स्टार्ट हो गई है। और ऐसे देखें ना तो दिवाली की सबसे बड़ी तैयारी जो होती है वो है घर की साफ सफाई। तो आज से मैंने घर की साफ सफाई जो है वो करनी स्टार्ट कर दी है। और ऐसे देखें ना तो आज ऐसे देखें ना तो जो बालकनी है वो मैं साफ़ कर रही हूँ। और बालकनी में ऐसे देखें ना तो धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा इकट्ठी हो जाती है और उसको क्लीन करने के लिए मुझे 2 से 3 घंटा लग जाएगा। और आज ऐसे देखें ना तो संडे है तो मेरे हस्बैंड को भी मैंने ड्यूटी पर लगा दिया है, क्योंकि अकेले में करूँगी तो वो ऐसे साफ़ नहीं हो पाएगा और अच्छे से नहीं कर पाऊँगी। तो अभी वो भी मुझे हेल्प करवाने के लिए लग गए हैं और यहाँ पे हम दोनों मिलके ऐसे बालकनी जो है वो क्लीन कर लेंगे। और आज ऐसे देखें ना तो ऐसे जो मकड़े के जाले होते हैं वो गिराने के लिए ये झाड़ू भी जो है ना वो मैं लेके आ गई हूँ। और आज ऐसे देखना तो संडे है तो आपको घर की जो हालत है वो पहले दिखा। ये सब जो एक्स्ट्रा सामान है ना जो मेरे घर में आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा कहीं पे भी, ये सब कुछ है ना वो मेरे पीछे की जो बालकनी है ना उधर पड़ा हुआ रहता है। तो अभी ये सभी सामान को ऐसे कुछ पोछ के मैं बालकनी क्लीन करके उसको उधर रख दूंगी। अभी जो सामान है ना वो मेरे घर में आपको कहीं पे भी नहीं दिखाई दे रहा होगा, लेकिन ये सब सामान ऐसे देखे ना तो बालकनी में पड़ा रहता है। और मुझे ऐसा लगता है कि सभी के घर में एक ऐसा कोना होगा कि जहाँ जो चीज़ हमें नहीं चाहिए ज़्यादा वो चीज़ ऐसे पड़ी रहती है। तो यहाँ पे ये सभी सामान जो है वो रखा है, अभी इसको अच्छे से पोछ के मैं क्लीन करके साइड पे रखती जाऊँगी और उसके बाद बालकनी को अच्छे से क्लीन करके उसको बालकनी का सामान जो है वो रख दूँगी और जो नहीं चाहिए वो निकाल दूँगी। तो अभी यहाँ पे मेरे हस्बैंड जो है वो भी मुझे हेल्प करवाने के लिए लग गए हैं, क्योंकि अभी बालकनी में जो सारा सामान पड़ा हुआ है ना वो सभी सामान उन्होंने ऐसे खाली करके बाहर हॉल में ला दिया है। और अभी ये सामान के ऊपर जो धूल मिट्टी लगी है ना वो सभी धूल मिट्टी मैं इधर हटा दूंगी और उसके बाद उसके ऊपर ऐसे गीला पोछा जो है वो मैं लगा देती हूँ। और ऐसे देखें ना तो साफ़ सफाई का काम अकेले हाथ करते हैं तो हम थक जाते हैं, लेकिन दो लोग मिलके करते हैं तो अच्छा रहता है और हमें थकान भी नहीं लगती है। तो अभी मेरे हस्बैंड जो है वो मुझे हेल्प करवाने में लग गए हैं और यहाँ पे जो सारा सब कुछ सामान निकाला है उसको ऐसे में गीले कपड़े से मैं पोछ लेती हूँ ताकि ऊपर जो धूल मिट्टी लगी हुई होती है ना वो निकल जाएंगी। और ऐसे देखें ना तो घर की साफ़ सफाई करना ये भी एक बहुत बड़ा काम होता है। और यहाँ पे मैं जो गैस सिलेंडर है वो ऐसे गीले कपड़े से मैं पोंछ लेती हूँ। अभी यहाँ पे सभी जो चीज़ें बालकनी में से मैंने निकाली थी वो सभी ऐसे गीले कपड़े से पोंछ ली ताकि ऊपर की धूल मिट्टी जो है वो निकल जाए। और उसके बाद अभी यहाँ पे मैं आ गई हूँ बालकनी में। मेरी बालकनी में जो खिड़की पड़ती है वो खिड़की और वो सब अभी ऐसे अच्छे से पानी से मैं वॉश कर लेती हूँ और उसके बाद बालकनी अच्छे से मैं धो लेती हूँ और धोने के बाद उसको अच्छे से सूख जाए तब तक उसको मैं छोड़ देती हूँ ताकि बालकनी अच्छे से सूख जाए। उसके बाद ये सब सामान जो है ना वो फिर से मैं बालकनी में अरेंज कर दूंगी। अभी बालकनी वॉश करने के बाद मैं आ गई हूँ हॉल में और अभी ये जो बॉक्स जो खाली पड़े हुए हैं ना उसको मैं एक बॉक्स के अंदर ही सभी बॉक्स भर के रख देती हूँ ताकि बॉक्स जो है ना वो ज़्यादा जगह भी नहीं रोकेंगे और अच्छे से ऐसे सेट भी हो जाएंगे। तो अभी एक बॉक्स के अंदर मैं सभी जो खाली बॉक्स पड़े हुए हैं ना उसको मैं भर देती हूँ
और उसके बाद यहाँ पे देख लो बालकनी जो है ना वो मैंने सेट कर ली है, और बालकनी के पीछे की साइड भी मैंने ऐसे एक एंगल लगवाया है कि उसके ऊपर में बहुत सारा सामान इधर मेरा रह जाता है, कि ताकि जो चीज़ नहीं चाहिए यानी कि कभी कभी चाहिए वैसी चीज़ जो होती है ना वो मैं इधर बालकनी में ही रखती हूँ, और यहाँ पे प्याज और आलू भी मैं इधर रखती हूँ, और लहसुन जो है ना वो भी इधर रखती हूँ, ताकि बाहर की जो हवा है वो उसे लगी रहती है और जल्दी बिगड़ते नहीं है। और यहाँ पे घर की हालत मैं आपको दिखाती हूँ, घर में देखो इतना कूड़ा कचरा पड़ा हुआ है, अभी बालकनी ही क्लीन की है, पूरा घर क्लीन करूँगी तब तो मुझे लगता है कि बहुत सारा कूड़ा कचरा जो है वो निकलेगा। तो अभी बालकनी तो पूरी मैंने सेट कर दी है, और अभी यहाँ पे मैं लगा देती हूँ पूरे घर में झाड़ू, और झाड़ू लगाने के बाद सुबह का जो सब काम है रूटीन काम होता है वो मैं फिनिश कर लूँगी। अभी पूरे घर में तो झाड़ू मैंने लगा दिया है, और झाड़ू लगाने के बाद ऐसे घर अच्छे से क्लीन लगता है। और यहाँ पे देखो हमारे घर के छोटे मैकेनिक है वो कुछ काम कर रहे हैं, तो ये कीबोर्ड ऐसे है ना बिगड़ गया है, तो मेरे हस्बैंड ने उसे ऐसे खेलने के लिए दे दिया है कि तुझे इससे जो खेलना है वो खेल सकता है। तो बाद में वो बोल रहा है कि पापा मुझे इसको खोल के देखना है, तो अभी उसको ऐसे स्क्रू खोलने के लिए टूल्स भी दे दिया है, और इसकी मदद से वो ऐसे स्क्रू जो है ना कीबोर्ड के सभी स्क्रू जो है वो निकल रहा है, और उसको अच्छा भी लगता है। सभी बच्चे को ऐसा कुछ काम हम दे देते हैं ना तो उनको बहुत अच्छा लगता है। और उसके बाद सुबह का सब रूटीन काम मैंने फिनिश कर लिया, और उसके बाद दोपहर का टाइम हो रहा है और मैं आ गई हूँ किचन में। तो आज ऐसे देखें ना तो खाने में दोपहर के टाइम मैं थक गई हूँ ना, तो इसीलिए एकदम इजी और खाने में बहुत टेस्टी ऐसी मिक्स वेजिटेबल जो मैगी बनाते हैं मसाला मैगी वो मैं बना रही हूँ। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने प्याज टमाटर कैप्सिकम पत्ता गोभी और हरी वाली मिर्च सब कुछ छोटी छोटी चॉपर में कट कर लिए, और उसके बाद एक कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल ले लिया, उसमें थोड़ा सा प्याज और उसके बाद कटी हुई मिर्च डाल दूँगी, और उसके बाद पत्ता गोभी कैप्सिकम टमाटर वो सब कुछ डाल के थोड़ी देर के लिए उसको ऐसे चलाती रहूँगी। अभी यहाँ पे सभी सब्जी डालने के बाद इसको एक से दो मिनट के लिए मैंने ऑयल में उसको सौते कर ली, ताकि सब्जी जो है ना थोड़ी क्रंची रहती है ना तो टेस्ट में अच्छी लगती है। और उसके बाद यहाँ पे हाफ चम्मच जितनी हल्दी, थोड़ा सा धनिया जीरा पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा नमक डाल दिया है। तो यहाँ पे नमक मैंने कम डाला है क्योंकि मैगी के साथ जो मसाला आता है ना वो भी मसाला इसमें डालना है, तो नमक मैंने ऐसे देखे ना तो सब्जी के हिसाब से जो चाहिए ना इतना ही डाला है। और उसके बाद सभी मसाले इसके साथ मिक्स कर दिए, और अभी इसमें मैं दो छोटे मैगी के साथ मसाले के पैकेट आते हैं उसको इसमें मैं कट करके डाल देती हूँ। तो अभी मसाले डालने के बाद सब्जी के साथ इसको भी अच्छे से मिक्स कर दिया है मैंने। अब इसमें मैं 2.5 कप जितना पानी डाल देती हूँ। तो ये पानी ऐसे देखे ना तो जैसी मैगी चाहिए वैसे हम डाल सकते हैं, एकदम ड्राई मैगी चाहिए तो पानी कम डाल सकते हैं, और थोड़ी ऐसे ग्रेवी वाली चाहिए तो पानी ज़्यादा डाल सकते हैं। तो अभी 2.5 कप जितना पानी मैंने डाल दिया है, और उसके बाद पानी को थोड़ी देर के लिए मैं उबलने के लिए ढक के रख देती हूँ। तो पानी यहाँ पे अच्छे से उबल गया है, तो अभी इसमें मैं दो जो मैगी के पैकेट आते हैं वो पैकेट इसमें मैं डाल देती हूँ, और ये ऐसे देखें ना तो झटपट बनने वाली और एकदम टेस्टी रेसिपी है, और खाने में भी बहुत अच्छी लगती है। तो आज ऐसे देखें ना तो मैंने घर की साफ़ सफाई की ना, तो दोपहर के टाइम थोड़ा ऐसे थकान जैसा लग रहा है, तो मैंने सोचा झटपट बन जाए ऐसा कुछ मैं बना देती हूँ। तो यहाँ पे वेजिटेबल मसाला मैगी जो है वो मैंने बना दी है। तो अभी मैगी डालने के बाद इसको अच्छे से पानी के साथ मिक्स कर दिया, और उसके बाद इसको ऐसे 1 से 2 मिनट के लिए पानी के साथ उबलने दिया।
तो यहाँ पे मैगी जो है वो हमारी हो चुकी है रेडी, और उसके बाद इसको मैं सभी के लिए ऐसे प्लेट में जो है वो निकाल लेती हूँ। अभी आपने देखा ना कि मेरा बेटा जो है वो कीबोर्ड खोल रहा था, तो उसने पूरा कीबोर्ड जो है वो अपने आप स्क्रू से खोल डाला है, और मैं दिखाती हूँ कि वो भी कितना एक्साइटेड है। कैसा लगा ये काम करने में? बहुत मजा आया। बहुत मजा आया? हाँ। स्क्रू निकालने में बहुत मजा आया? हाँ। बाद में फिर से लगा भी देगा? नहीं, नहीं? क्यों? जैसे निकाला वैसे नहीं लगा पाएगा? लगा पाऊंगा। ये ऐसे देखे ना, ये कीबोर्ड बिगड़ गया है, तो इसीलिए इसको ऐसे खोलने के लिए दे दिया कि वो क्या करता है देखते हैं। तो उसने पूरा कीबोर्ड ऐसे खोल के खोल डाला है, और पता नहीं उसको अच्छा लगेगा तो वो वापस लगा भी देगा। तो देखते हैं आगे वो क्या करता है, क्या करेगा अब तू? अब ये इसमें डालूंगा ये। क्या ये ना कभी लग जाएगा। तो अभी यहाँ पे कीबोर्ड में अंदर ऐसे देखें ना, तो ऐसे हमारे ईयरफोन में नहीं, वो आगे का हिस्सा आता है ऐसा अलग से है कटोरी जैसा। तो अभी ये जो है ना सब कुछ उसने निकाल के एक डिब्बी में पैक करके रख दिया, और यहाँ पे ऐसे देखें ना तो अंदर ऐसी प्लास्टिक की सीट, प्लास्टिक की सीट भी है। और ऐसे देखें ना तो ये कीबोर्ड ऐसे एक ही सर्किट जो है उसके ऊपर चलता है। तो ऐसे देखें ना तो ये काम करने में मेरे बेटे को तो बहुत मज़ा आया। और यहाँ पे मैं कर रही हूँ आज के व्लॉग का एंड। आज का व्लॉग अगर आपको थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सब सपोर्ट कीजिए। तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।